हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर EVS क्लास. नाउ इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू डू दिस कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग एंड एज वेल एज राइटिंग. ओके, ऑन दिस पेज नंबर 66. ओके, नाउ दिस इज comprehension number 2. In previous lecture we did this comprehension writing. Okay, now next, this is comprehension. Let's read. morning, morning, to, night, night, morning to night. We see the sun, moon and stars in the sky. What do we see in the sky? We see sun, moon and stars in the sky. We see the sun during the daytime. Okay, it shines very brightly. हम सन को कब देखते हैं? ड्यूरिंग द डे, डे टाइम में. ओके, एंड इट्स ऑल्सो शाइन्स वेरी ब्राइटली. इट इज वेरी हॉट. इट गिव्स अस लाइट एंड हीट. इट, यहाँ पे इट, यहाँ पे इट, यहाँ पे, तो इट मीन्स कौन? सन. इट डज नॉट चेंज इट्स शेप. क्या सन को आपने शेप चेंज करते हुए देखा है कभी? फुल एकदम ऐसे सर्कल में होता है, राउंड में, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है. क्या आपने ऐसे देखा है सन का शेप? नहीं. सो इट मीन्स सन. सन डज नॉट, नहीं, does not change, change, change its shape. Okay, it is very far. Far means dur. It is very far away. It, the sun, it means the sun. It rises in the morning. Sunrise kab hota hai? Morning. And sets sets in the evening. Sun sets in the evening. The night, night, the night, begins, begins. The night begins with the sunset. Okay, here in the sky we see three things. That is, one is sun, moon and stars. Okay, then here this all things are there about the sun. We see sun during the day. Sun kab dekhte hain? Daytime mein. Sun kya karta hai? So it shines very brightly. So it is very hot. And sun also gave us heat and light. Sun हमें heat and light भी देता है. It does not change its shape. Sun कभी अपना shape change करता है? No. It is very far away. Sun तो हमसे बहुत दूर है. It rises in the morning. It means कौन? The sun. The sun rises in the morning. Yes. And sunsets in the evening. शाम को sunset होता है ना? Yes. तो जब sunset होता है तब क्या होता है? Then night begins. The night begins with the sunset. Okay? Then we see the moon. जब सनसेट होता है तब क्या होता है? नाइट स्टार्ट होती है. तो नाइट में हम लोग क्या देखते हैं स्काई में? वी सी द मून एट नाइट इन द स्काई. इट इज नॉट हॉट.
इट इज नॉट हॉट. मून हॉट होता है? नो. इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. जैसे सन की खुद की लाइट होती है, वो हमें लाइट एंड हीट दोनों देखता है, बट मून की तो खुद की कोई लाइट नहीं होती है, बट हम तो देखते हैं वाइट वाइट मून रात को. तो ऐसा कैसे, जब मून की कोई लाइट ही नहीं है तो हमें वो वाइट कैसे दिखता है? तो मून की जब लाइट नहीं है तो वो लाइट लेता है, किससे लेता है? इट टेक्स, टी ए के ई एस, टेक्स. इट टेक्स लाइट फ्रॉम द सन. मून किससे लाइट लेता है? सन से. इट्स लाइट इज कूल एंड प्लीजिंग, पी एल ई ए एस आई एन जी, प्लीजिंग. अभी सन लाइट होती है मॉर्निंग में, तो क्या हम सन को ऐसे देखते देख सकते हैं कंटिन्यूअसली? नहीं देख पाते हैं. क्यों? क्योंकि आईज में हमको इरिटेशन, बर्निंग फील होती है, तो हम अपनी आईज हटा लेते हैं सन से. लेकिन वैसे ही जब हम नाइट में मून को देखते हैं तो हम लोग आराम से उसको बहुत जितना चाहे हम लोग उसको देख सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो हीट नहीं देता है. उसकी लाइट कैसी होती है? कूल, ठंडी होती है, और अच्छा लगता है उस लाइट को, मून को देखना. ओके, नाउ द मून इज नॉट ऑलवेज सेम. मून कभी एक जैसा नहीं होता है, कभी फुल होता है, कभी हाफ होता है, कभी ऐसे होता है ना? मून कभी फुल होता है नहीं. मून सो मून के कितने सारे शेप्स होते हैं? बहुत सारे. तो मून इज नॉट ऑलवेज सेम, इट्स शेप चेंजेस ईच नाइट, हर नाइट. ईच मीन्स हर एक नाइट को मून अपना शेप चेंज करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट, वी सी द स्टार्स एट नाइट. वी डब्ल्यू ई, वी सी द स्टार्स एट नाइट. मॉर्निंग में हम लोग सन देखते हैं, नाइट में मून देखते हैं, नाइट में और क्या देखते हैं? स्टार्स. तो दे ट्विंकल, ट्विंकल, दे टी एच ई वाई, दे ट्विंकल इन द स्काई. स्टार्स का क्या काम है? ऐसे मस्त ट्विंकलिंग करना स्काई में. ओके, देर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई. स्काई में एक स्टार होता है कि बहुत सारे? यस, देर आर मैनी स्टार्स, बहुत सारे होते हैं. वी सी ए एन, कैन, एन ओ टी नॉट, कैन नॉट, कैन नॉट. वी कैन नॉट, कैन नॉट मतलब हम नहीं कर सकते. वी कैन नॉट काउंट देम, हम क्या नहीं कर सकते? काउंट देम मतलब देम मीन्स कौन? स्टार्स. हम स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज देर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई. ओके, वी कैन नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे. अभी डे है तो क्या हमें स्टार्स दिखते हैं? तो क्यों नहीं दिखते? बिकॉज ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ द सन, क्योंकि सन की लाइट इतनी इतनी ज्यादा होती है कि उसमें हम लोग स्टार्स नहीं देख पाते हैं. ओके, बाकी स्टार्स कहीं घूमने नहीं जाते हैं, वो उधर ही होते हैं, बट सन लाइट की वजह से हम स्टार्स को नहीं देख पाते हैं. ओके बेटा, चलो नाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन आंसर्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यू डिस्क्राइब द मून. ये डिस्क्राइब द मून, तो मून के बारे में हमको सब कुछ लिखना है, तो ये पूरा पैराग्राफ आएगा. सो बेटा, ये हम लोग हमारी ईवीएस की फेयर बुक में आंसर लिखेंगे. ओके, ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इधर लिख दो. इन ईवीएस फेयर बुक, इसका आंसर बड़ा है इसीलिए हम लोग ये ईवीएस की फेयर बुक में लिखेंगे. नाउ नेक्स्ट, नंबर टू,
डिस्क्राइब द सन, तो यहाँ पे डिस्क्राइब मतलब सन के बारे में हम जितना जानते हैं उतना लिखेंगे, जैसे मून के बारे में था, तो सन का आंसर भी बढ़ाएगा, तो यहाँ पे भी लिख दो इन ईवीएस फेयर बुक में, ये दोनों आंसर आपको ईवीएस की फेयर बुक में लिखवाऊंगी. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 3, when, when does, does, does when does the night begin? When does the night begin? Night कब begin होती है? Begin means start कब होती है? तो यहाँ पे है answer. The night begins कब? With the sunset. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? The night begins with the sun. Number 4. From where does the moon get its light? Students, now only just I told you that the moon does not have its own light. Moon ke paas apni Moon does not have its own light. Moon के पास अपनी कोई light नहीं होती है, तो वो कहाँ से लेता है? तो यहाँ पे it means moon. Moon takes light from the sun. तो यहाँ पे क्या answer आएगा नीचे? From where does the moon get its light? So the answer is the moon. Question में से लिखने का यहाँ से. The moon get its light from the sun. Okay, moon ko light kaun deta hai? Sun. Okay, now next number 5, when, C-A-N, और ये जो है ना वो कॉमा बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी कॉमा. ओके, फिर टी, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, हमने अभी यहाँ पे रीड किया ना, C-A-N-N-O-T, cannot, तो हम cannot को शॉर्ट में लिखना हो ना, तो हम ऐसे लिखते हैं. ओके, और उसको बोलते हैं can't. तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? Why can't we see the stars during the day? Why can't we see the stars during the day? During day means day time में हम लोग stars क्यों नहीं देख सकते? तो यहाँ पे answer, ये रहा आपका answer. We cannot see the stars during the day because, क्यों नहीं देख सकते? Because of the brightness of the sun. Sunlight इतनी ज्यादा होती है कि हम stars morning में day time में नहीं देख पाते. Okay, so here I will write we cannot see the stars during the day because of the brightness, brightness of the sun. Okay, students. Now, in EVS Fair Book, you have written this lesson number 6, morning to night, and in this chapter, you have written new words. EVS में आपने new words लिखे हैं अपनी Fair Book में. Okay? ये सारे new words, 26 के 26 आपने अपनी Fair Book में लिखे हैं. Now, इसके बाद, after this, you have to write. In today's lecture, we will do this name, T-H-E-M, name them.
Okay, today we will write this, and you also have to write this all in your EBS fair book as written here. Okay. Number one, I-G-I-V-E, give heat, H-E-A-T, heat. I give heat and light to the earth. I give heat and light to the earth. Earth pe heat and light kaun deta hai beta? Yes. Sun. Sun give us heat and light. Okay. So the answer is sun. S-U-N. Number two. I am. A-M-M. B-A-N-D. Band. I am band of seven colors. C-O-L-O-U-R-S. Colors. हम sky में seven colors की band. Band means पट्टा देखते हैं इसे. Semicircle में. देखते हैं ना seven colors कैसा. तो उसको क्या बोलते हैं? Yes, rainbow. R-A-I-N-B-O-W. Rainbow. Okay? Now number three. I-T-W-I-N-K-L-E. Twinkle. I twinkle at night in the sky. तो I means कौन? कौन twinkle करता है sky में night को? Night में? Okay, तो कौन twinkle करता है? Yes, star. Stars twinkle करते हैं ना? Yes. Now students, आपको बिल्कुल ऐसे ही heading देना है. Then you have to leave the one line. Then number one. And then again you have to leave the line. Then you have to write number two. Okay. As shown in your video, you have to write similarly in your EBS fair book. Okay. Now number four. Okay. Now number four. I look. L-O-O-K. Look. D-I-F-F-E-R-E-N-T. Different. Different. I look different at different times. I look different at different times. I look different at different times. तो ऐसी कौन सी चीज है? आई मीन्स कौन? ऐसी आपको फाइंड करने की. आई मीन्स कौन? जो हर बार डिफरेंट डिफरेंट लगती है. यस. तो हम सन हर बार डिफरेंट डिफरेंट लगता है? नहीं. स्टार्स? नहीं. मून? तो डिफरेंट डिफरेंट लगता नहीं है. बट हाँ, स्काई. स्काई डेली एक जैसा हमको नहीं लगता है. तो इट्स करेक्ट आंसर इज एस के Why sky? हर बार आप जब भी देखो तो क्या आपको प्लेस पता होती कि इधर यही था, इधर यही था? ओके. तो sky looks different at different times. ओके. मॉर्निंग में अलग लगता है, नून में अलग दिखता है, नाइट में अलग दिखता है. ओके. नाउ नंबर फाइव. I C H A N G E. Change. C H ch. C H A N G E. Change. My. S H A P E. Shape. S H sh. S H A P. Shape. E V E R Y. Every. N I G H T. Night. I change my shape every night. तो ऐसी कौन सी चीज है जो अपना शेप चेंज करती है every night में? Okay. What is that? It is the moon. M-O-O-N. Moon. Moon changes
his shape every night. Moon अपना shape हमेशा हर night को change करता है ना. You see the different shape of the moon? Yes? Yes. Okay, now next. Our next topic is fill in the blanks. F-I-L-L-I. Fill I-N-N-T-H-E. The B-L-A-N-K-S. Blanks. Fill in the blanks. चलो नंबर वन. ई वी ई आर वाई. एवरी मॉर्निंग. एम ओ आर एन आई एन जी. मॉर्निंग. द सन राइजेस इन द. यस एवरी मॉर्निंग सन राइजेस फ्रॉम विच साइड. यस वी हैव स्टडीड दिस. यस every morning the sun rises in the east. Okay, now number 2. After writing number 1, leave one line and then number 2. Okay, e b e r y. Every evening the sun sets in the west. W E S T. West. Okay. Now number 3. The dash looks like a fireball. Fireball jaisa kaun dikhta hai? Yes. The sun. Sun looks like a fireball. Okay. Now next. Number 4. V C S double E C. This is nothing. Okay. V C dash and dash in the sky at night. Yes, students, आप बताओ हम लोग क्या देखते हैं sky में night को. Yes. V C moon and stars in the sky at night. Okay, now number 5. The dash changes its shape every night. Just now only we did this. Thus, who changes its shape every night? Every night, her night, kaun apna shape change karta hai? Yes, the moon changes its shape every night. Okay, students, this name them and this fill in the blanks till number 5. You have to write in your EBS fair book with in good handwriting. Okay, students, bye.